भैया वो भैया इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन सामना करेंगे जाई और अंपायर के साथ आता हुआ वाइड बॉल। अगर आप इस लेंथ के बॉलिंग करेंगे तो निश्चित ही टीम का नुकसान होगा। भैया चले सामना करेंगे जाएद और जाएद ने एक लंबा गोल चक्कर मार दिया। बहुत ही लंबा चक्कर मार जाएगा जाएद के बल्ले से। काफी समय से इंतजार कर रहे थे जाएद इसी गेंद का और भैया के गेंद का सामना करते हुए जाएद एक लेग साइड की दिशा में काफी अच्छा शॉट खेलता और ये रन आउट होने का चक्कर था लेकिन कोई नुकसान नहीं मार सकती है और काफी अच्छी वापसी की है ना 60 रन कोई भी कमी नहीं चल रही इसी को बढ़ सकते हैं आज क्या और हल्के हाथ से खेला और बैटर बॉलर को संपर्क में ले दीपक और ये अंपायर के सामने वाइड बॉल काफी बाउंस हुई थी बॉल कोई बड़ा समय मांगते हैं और आगे ही आता से खेल लिया जी तक ने बॉल ऑफ साइड दिशा में तब तक दोनों बैट्समैनों ने दौड़ कर एक रन पूरा किया करें जाए और ऑफ साइड दिशा में जाए के खेल लिया बॉल ऑफ साइड दिशा में लगा लिया और दोनों बैट्समैनों ने दौड़ कर दो रन पूरा किया काफी अच्छी खेल खेल जाए दीपक और जाए द्वारा और अजीत के गेंद को सामना करने जाए और तैयार है क्या अजीत इस ओवर में कोई बड़ा विकेट लेकर जाएंगे और जाएद भी पूरी तरह से तैयार है बड़े शॉट के लिए और ये जाएद ने काफी ऊपर उठा दिया है बॉल को फील्डर नीचे है देखना है कैच पकड़ पाएंगे या नहीं और यहाँ रन आउट होने का चांस और अंपायर का फैसला आना बाकी है अभी देखना है क्या होगा और ये नॉट आउट लेकिन अच्छे से बैट और बॉल का संपर्क नहीं हो रहा है जाहिद के लिए आई और ये काफी अच्छी